बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार में। जी आप सभी को बताएं कि यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने मिली है, जो कि हर एक यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी होगा। आप सभी को बताएं यूपी बोर्ड को लेकर अभी एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आप सभी को बताएं 54 लाख विद्यार्थियों को झटका लगा जिनका बोर्ड परीक्षा के तारीखों का ऐलान अचानक कर दिया गया। हां बालक, आप सभी को बताएं कि छात्र छात्राएं काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड परीक्षा के तारीखों का ऐलान किया जाए, लेकिन छात्र छात्राएं अचानक असमंजस में इस वजह से पड़ गए कि अचानक 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसका छात्र छात्राओं को नुकसान नहीं बल्कि पूरा फायदा होगा। जी आप सभी को बताएं इसका कोई भी नुकसान विद्यार्थियों को ना पहुंचेगा बल्कि इसका उल्टा फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा आप सभी को फायदा, वहीं 10वीं बारी के पेपर कैसे बनाए जा रहे हैं, वहीं आप लोगों को सरकार की तरफ से कौन से बड़ी दो योजनाएं लागू कर दी गई जिसका विद्यार्थियों को पूरा फायदा मिलेगा, वहीं दो बड़े बदलाव कौन से किए जा रहे हैं इसका भी पूरा फायदा छात्र छात्राओं को कैसे पहुंचेगा, वह नुकसान एक नुकसान आप सभी को क्या हो सकता है। साथ में आप सभी को यह भी बताएंगे आखिरकार आप लोगों को कॉपियों को जांचने के आदेश किस प्रकार दिए गए, आप लोगों को कॉपियों को किस प्रकार जांचा जाएगा, आप लोगों का जो रिजल्ट होगा उसे कब तक घोषित किया जाएगा, आप लोगों का नया सत्र कब से प्रारंभ किया जाएगा, वह अन्य प्रकार की विभिन्न जानकारियां इस वीडियो के अंतर्गत हमारे चैनल एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जाने वाली है। तो दोस्तों उससे पहले अभी तक हमारे चैनल पे आप नए चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल घंटे को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जी हां, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आप सभी को बताएं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो 24 मार्च 2022 के दिन से प्रारंभ होने की आज से 3 दिन के बाद, यहां आप सभी को बताएं 24 तारीख से आप सभी के पेपर चालू हो रहे हैं। अब आप सभी के पास समय मात्र 3 घंटे का रह गया है, यानी कि आप सभी को 70 से 72 घंटे आप सभी का समय बचा है। अब आप सभी को मन में टेंशन होगा कि अब इतने कम समय में अपनी तैयारी कैसे करें, आप लोग होली को भी सही रूप से मजा नहीं ले पा रहे होंगे, जैसा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जो बताएगा कि आपने होली सही रूप से खेली या फिर आपने टेंशन में रहकर खेले, हमें कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। लेकिन आप लोगों को एक उपहार दिया गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्टों तक फेल होगा तो उसे फेल नहीं माना जाएगा बल्कि उसे दोबारा पेपर दिला दिया जाएगा, यानी पेपर जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे उस सब्जेक्ट को दोबारा रिन्यूअल करा के आप सभी का दोबारा पेपर करा दिया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को पूरा साल बर्बाद होने से बचेगा और आप सभी को दोस्तों इसकी कोई भी फीस भी दोबारा देनी नहीं पड़ेगी, यह आप सभी का सबसे प्लस पॉइंट होगा। वहीं सरकार ने एक और बड़ा आदेश दिया है, अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं आ रहा है, जी हां आप लोगों को बताएं कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसका अगर सटीक आंसर आप सभी को नहीं आता है तो सरकार ने यह योजना लागू की है 2021 के हालातों को देखते हुए, क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज ऑफलाइन के माध्यम से नहीं खुल पाए, वो ऑफलाइन के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाई न करा पाए, इस वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 10वीं बारी की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, जी आप लोगों को बताएं 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं, इस वजह से आप लोगों का पेपर जो भी आप क्वेश्चन है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, अगर उसका क्वेश्चन आपको सही रूप से नहीं मालूम तो उसका आप लोगों का मिलता जुलता आंसर उससे लिखेंगे, तो आप सभी को जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा 5 नंबर का 8 नंबर का 10 नंबर का 2 नंबर का उसका पूरा नंबर दिया जाएगा, सिर्फ बहुकैल्पी को छोड़कर, बहुकैल्पी का आपको जो भी होंगे वो सीधे लिखना होगा, आप बाकी अन्य शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर व मीडियम जो भी होंगे